आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, जिसमें क्या बहुत से स्टूडेंट्स को जो डाउट है कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड एम्स पैरामेडिकल का जो एडमिशन प्रोसेस है 2022 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस बेसिस पे होने वाला है, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है। क्योंकि कुछ आर्टिकल्स या न्यूज़ में उन्होंने देखा है कि आपका जो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का एडमिशन है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा या नहीं होगा, तो इसलिए स्टूडेंट्स को डाउट ही है। क्योंकि बहुत से आप कॉलेज या इंस्टीट्यूट को देखोगे तो नीट के स्कोर के बेसिस पे आप बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन होगा, ऐसा उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी डाउट्स ये है कि क्या एम्स बीएससी नर्सिंग या एम्स पैरामेडिकल का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि जिससे कि उनका जो एडमिशन प्रोसेस है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे हो, तो इस वीडियो में पूरा हम डिस्कशन करने वाले हैं जिससे किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स नहीं रहे। तो चैनल पे यदि स्टूडेंट्स नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जितना भी आपका ऑफिशियल अपडेट हो वो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स का जितना भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स क्या इस बार बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का एडमिशन जो प्रोसेस है वो नीट स्कोर पे होगा या नहीं। देखो, जहाँ तक आपका देखा नीट का एम्स बीएससी नर्सिंग की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें, तो नीट के स्कोर के बेसिस पे अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका नीट के स्कोर के बेसिस पे एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के एडमिशन होगा। ठीक है, तो अभी तक जहाँ तक आपका इन्फॉर्मेशन है वो देखा जाए तो 98% तक जो है आपका एडमिशन प्रोसेस है वो एम्स एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। जैसे कि आपको सबको पता है कि आपका एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें पीसीबी में आपका 90 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसमें से 10 क्वेश्चंस आपके जीके के होते हैं, जबकि यदि आपके नीट के थ्रू यदि एडमिशन होता है तो नीट में आपका जो सिलेबस है वो पीसीबी का ही होता है, न कि जीके का नहीं होता है। ठीक है, जनरल नॉलेज का उसमें आपका सिलेबस नहीं ऐड होता है, आपका जो सिलेबस होता है वो आपका पीसीबी के थ्रू होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे यदि नीट के थ्रू आपका एडमिशन होता है तो नीट के थ्रू यदि एडमिशन होगा तो बहुत से स्टूडेंट्स को लॉस हो जाएगा, क्योंकि नीट की कट ऑफ है वो बहुत हाई रहेगी। ठीक है, जबकि इनकी एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू यदि एडमिशन होता है तो यहाँ पे कट ऑफ है वो कम रहेगी, जिससे आपको आसानी से सीट मिलने के चांसेस हैं। और यदि एम्स जो एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स एम्स का जो एडमिशन है बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए वो यदि नीट के स्कोर पे होता है तो आपकी कट ऑफ है वो बहुत हाई रहने वाली है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत ही जो कन्फ्यूजन रहा है वो अभी तक ये है कि जो डाउट्स है वो सॉल्व हुए, कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है उन्हीं के बेसिस पे आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, जिसमें आपके सिलेबस की बात करें तो पीसीबी, ठीक है, एंड जीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सिलेबस का मैंने वीडियोस डाल दिए, सारा इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखा है, उसकी वीडियोस की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। आपका एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू ही अभी तक ऑफिशियल साइट को देखें तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होगा। तो आई थिंक सबको अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। यदि कोई आर्टिकल्स में कहीं छपा होता तो वो आपको ऑफिशियल नहीं है, जब तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता कि एम्स के थ्रू जो एम्स में एडमिशन है वो नीट के स्कोर पे हो। ठीक है, तो अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, यदि कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है वो 98% आपको जो है आपका एडमिशन है वो एम्स एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू ही होगा। तो घबराइए मत, जो भी आपका प्रिपरेशन है वो ईजी और अच्छे से कीजिए। वीडियोस की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें सिलेबस और जितना भी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में कैसे होता है वो सारा डिस्कस किया गया है। यदि चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो थैंक यू डियर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।